दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का वह देश जहां पर नहीं पाया जाता है एक भी सांप। दोस्तों, पूरी दुनिया में जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कुछ जीव ऐसे हैं जो कुछ सीमित या विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं। इन्हीं में से एक है सांप, जो दुनिया के लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे देश हैं जहां एक भी सांप नहीं पाए जाते, लेकिन इनमें आयरलैंड और न्यूजीलैंड मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। जबकि इन दो देशों में वातावरण ठीक ठाक है, यहां एक भी सांप नहीं है। जी हाँ, है ना ये आश्चर्य की बात। चलिए जानते हैं इन देशों के बारे में। पहला, आयरलैंड। आयरलैंड में एक भी सांप नहीं पाया जाता है। हालांकि यहाँ सांपों से जुड़ा एक त्योहार जरूर मनाया जाता है। यहाँ सांप नहीं होने के कारण के रूप में एक किंवदंती है कि आयरलैंड में सेंट पैट्रिक नाम के एक संत थे, जिन्होंने ईसाई धर्म की रक्षा के लिए देश भर के सांपों को एक साथ घेर लिया और सभी सांपों को आयरलैंड से बाहर निकालकर समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन इसका मुख्य वजह यह है कि लगभग 10,000 साल पहले यानी हिम युग के बाद, जैसे ही ग्लेशियर पीछे हटे, जानवर और पौधे यूरोप की मुख्य भूमि पे फिर से बसने में सक्षम हो गए, क्योंकि ये सभी भूमि पुल द्वारा जुड़े हुए थे। लेकिन आयरलैंड के लिए आयरिश सागर सांपों के लिए बहुत बड़ी बाधा साबित हुई, जो ब्रिटेन तक पहुंच गई थी, इसलिए आयरलैंड सांप मुक्त रहा। दूसरा, न्यूजीलैंड। द्वीपों से बने इस देश में वैसे कई जंगली जानवर पाए जाते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहां भी आज तक एक भी सांप नहीं मिला है। वैसे न्यूजीलैंड के आसपास समुद्र में कई तरह के सांप होते हैं, लेकिन यह भी पानी को छोड़कर कभी जमीन पर नहीं आते। यह अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सांपों से रहित है। न्यूजीलैंड का सबसे पारिस्थितिकी तंत्र सांपों के बिना विकसित हुआ। न्यूजीलैंड में कई ऐसे जीव हैं जो प्राचीन काल से बने हुए हैं और कहीं नहीं पाए जाते। न्यूजीलैंड सख्त जैव सुरक्षा उपायों को अपनाता है। न्यूजीलैंड किसी भी सांप के आयात और पालने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है, भले ही उन्हें चिड़ियाघरों में रखा जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे कभी भागकर जंगल में प्रजनन करने लगे तो अन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उस मार्ग से सांपों के आगमन की संभावना बहुत कम है, जिससे इसकी सांप मुक्त विरासत का संरक्षण सुनिश्चित होता है। दूसरा कारण यह है कि सांपों की अपनी शक्ति से न्यूजीलैंड के अन्य स्थानों पर प्रवास करने की क्षमता सीमित है। ऐसे जानवरों का सबसे नजदीकी बड़ा स्रोत ऑस्ट्रेलिया होगा, और न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के सबसे नजदीकी हिस्से 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। जबकि कई सांप जो आमतौर पर जमीन पर रहते हैं, वे तैर सकते हैं, लेकिन इस तरह की दूरियां पहुंच से बाहर है। तीसरा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और दूसरे ऐसे क्षेत्र जो ज्यादातर बर्फ से ढके हैं या बहुत ठंड से युक्त हैं, क्योंकि सांप एक शीत रक्तीय जीव है जो ज्यादा ठंड में नहीं रह सकता है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी नॉलेज वाली वीडियो लाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।